गाढ़ीवाड़ा में आशुतोष राणा के निवास स्थान पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सुप्रसिद्ध काव्य पाठ एवं कविता के रचयिता आलोक श्रीवास्तव जी एवं कौटिल्य बुक प्रकाशन के राजू अरोरा जी एवं नगर के गणमान्य नागरिक ने गायक मनीष शुक्ला के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोगों ने ध्यान मगन होकर सुना। इस विशेष अवसर पर आलोक श्रीवास्तव एवं राजू अरोड़ा का जन्मदिन आशुतोष राणा के निवास स्थान पर सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। सर्वप्रथम आशुतोष राणा ने जन्मदिन के अवसर पर आलोक श्रीवास्तव एवं राजू अरोड़ा का तिलक लगाकर फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर आशुतोष राणा ने कहा, आज बड़े आनंद का विषय है, आलोक श्रीवास्तव सपरिवार एवं राजू यहाँ पर आए। आलोक श्रीवास्तव ने कहा, इनकी दुआएं साथ चलती हैं, सफर की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। जन्मदिन के विशेष अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिकों ने आलोक श्रीवास्तव एवं राजू अरोड़ा को तिलक लगाकर एवं गुलदस्ता देकर जन्मदिन की ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं दी। क्षण ही महत्वपूर्ण होता है यदि हम और आप अपने जीवन में सार्थक काम करते रहते हैं। तो प्रिय आलोक, ये बड़े आनंद का विषय है कि सब परिवार आज आलोक हमारी बहुरानी नीतू भी हैं, हमारे पुत्र सदृश अंशु भी यहाँ पर मौजूद हैं, फिर भतीजी यहाँ पे आलोक की मौजूद आलोक की नातिन यहाँ पे मौजूद है, राजू भैया यहाँ पे मतलब भाभी भले ही नहीं है लेकिन आप ये मान के चलें कि अर्जुन और सिद्धार्थ भी यहाँ पर मौजूद हैं, और सुबह राजू भैया की बात चल रही थी अंदर, तो मतलब ये निष्कर्ष है, और राकेश भैया के बड़े प्रेमी हैं। बहुत बहुत आपका संपूर्ण हमारे गाढ़ीवाड़ा की तरफ से, गाढ़ीवाड़ा की तरफ से नहीं कहूँगा, मेरा ये मानना है कि अगर आपने अपना सर्वश्रेष्ठ मुझे दिया, आप दोनों ने, तो ये मेरा दायित्व तो होता है कि मैं भी आपको अपना सर्वश्रेष्ठ सौगात, मेरे पास जो आपके लिए सौगात है, क्यों? क्योंकि आप लोग इतने महत्वपूर्ण लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं जीवन में, जो परम पूज्य गुरुदेव दत्ता कि हम आपको दें तो दें क्या, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी स्थिति हो जाती है कि जैसे कि पायल को झनकार दूँ यह संभव नहीं, फूल को श्रृंगार दूँ यह संभव नहीं, अरे आप खुद उपहार के उपहार, उपहार को उपहार शख्सियाँ शख्सियत जो है, व्यक्तित्व जो है, जब इस कृष्ण कुटी के जिसका घर बनाना है, तो मुझे पता नहीं था क्योंकि अब यहाँ पे जा रहे हैं कि शायद यहाँ पे सांस्कृतिक अब ये सहज ही रूप से जन्म उत्सव, जिसको आनंद उत्सव आप कहते हैं, कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज के स्मरण से, उनके स्मरण से हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, तो हम खूब सारी शुभकामनाएं देते हैं और परम पूज्य दत्ता जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन का प्रत्येक पल सार्थक हो, क्योंकि सफल तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके उनके जीवन का कोई भी क्षण सार्थक नहीं हो पाता। और हमने कहीं पढ़ा था, किसी ने कहा है, लिखा है कि अगर आप अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो या तो ऐसे कर्म करिए जिनके ऊपर लिखा जा सके, ऐसा लिख दीजिए जिसे जीवन भर पढ़ा जा सके। तो आप लोगों में लेखक जो होता है वो अनुभूति होता है, लेकिन उस अनुभूति का कोई महत्वपूर्ण महत्व नहीं होता जब तक उसे अभिव्यक्ति के मंच ना मिले, तो प्रकाश होता है। तो ऐसी अनुभूति और अभिव्यक्ति की जो इनकी दुआएं साथ चलती हैं, सफर की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। बहुत पहले अपने माता पिता से सुना करता था कि जो लोग अंदर से बहुत बड़े होते हैं वो कभी भी अपने से छोटों को छोटा महसूस नहीं होने देते हैं, हाथ पकड़ते हैं और उठाकर अपने पास ऐसे खड़ा कर लेते हैं, बहुत छोटा है वो, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के कद के बराबर हैं, कि सिर्फ वो बड़े नहीं हैं और भी लोग बड़े हैं, और यही उनका सच्चा बड़प्पन होता है, जिसके परम पूज्य दद्दा के आशीर्वाद से हमारे आशीष भैया और भैया ये मेरे लिए और राजू भैया के लिए, राजू अरोरा भैया के लिए तैयार कर रखा था और मन बना रखा था। ऐसा नहीं है, हमारे पास भी एक सरप्राइज है आपके लिए, गजब का है, जिसकी साक्षी यहाँ एक दो हस्तियाँ ही हैं। गाढ़ीवाड़ा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।